हाय ऑल, सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड इन्जॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू करने वाली हूँ, लाइक आई एम गोना शेयर माई बेबी एसेंशियल्स प्रोडक्ट शॉपिंग जो मैंने रिसेंटली की हुई है। तो ये जो है, ये वीडियो का पार्ट वन होने वाला है। पार्ट टू मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देन यू गाइज विल बी गेट बोर्ड। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में क्रिएट करूँगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है, दैट इज़ दी पार्ट वन ऑफ बेबी एसेंशियल्स शॉपिंग। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड चेकआउट की मैंने बेबी के लिए क्या क्या एसजीओपी शॉपिंग की है, विच आर दी एसेंशियल फॉर दी बेबी। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है फर्स्ट क्राई से ये बेबी के लिए बेड। सो दिस इज द नेट बेड और ये इस तरीके के बॉक्स पैकिंग में आया हुआ है। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट क्राई। आपको बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट पे ये मिल जाएंगे अवेलेबल, बट आई रियली लाइक फर्स्ट क्राई फॉर द बेबीज प्रोडक्ट। सो लेट्स मी शो यू दिस ब्यूटिफुल बेड। तो दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड लवलैप। ये मुझे बहुत पसंद आया था, पहले मैंने इसे अमेजन पे सेव करके रखा हुआ था कार्ट में काफ़ी टाइम से, बट देन मुझे ये फर्स्ट टाइम पे दिख गया है, ये मैंने वहाँ से ऑर्डर किया हुआ है। सो ये इस तरीके की ना एक पूरे पैकेट की पैकिंग में है, तो आप इसे ईजिली कहीं पर भी ले जाके कैरी वगैरह कर पाओगे आराम से। आप इसको इस तरीके से ना एज अ सूट केस, ऐसा हैंग करके बैग के जैसा कहीं पर भी कैरी कर सकते हो आराम से। सो और ये गंदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये पैकेट से ज़्यादा आया, तो आप इसको कहीं पे भी आराम से ले जा सकते हो ट्रैवलिंग वगैरह में। तो दिस इज़ दी बेड। ये बहुत क्यूटो सा है, क्योंकि मुझे इसके कलर्स बहुत पसंद आए थे, क्योंकि इसमें सारे इस तरीके से ना वाइब्रेंट कलर है। यू कैन सी यहाँ पे येल्लो कलर है, वाइट कलर है, ऑरेंज है, ब्लू है, एंड यहाँ पे इस तरीके से ना कुछ छोटे छोटे से कार्टून जैसे कैरेक्टर्स भी बने हुए हैं। सो ये काफ़ी बड़ा है इस तरीके से, एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। दिस इज़ दी कॉटन मटेरियल, क्योंकि इनिशियली बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, तो कॉटन प्रोडक्ट इज़ ओनली दी बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम। सो ये पूरा इस तरीके का है, एंड देन ये इसमें नेट भी दिया हुआ है, तो इसको आप नेट को इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों साइड में इसमें जिप दी हुई है। लेट मी क्लोज दिस। ओके, सो आप इसको ना इस तरीके से पूरा क्लोज कर सकते हो, इसमें मतलब आप बेबी को आराम से सुला सकते हो। और इसमें नेट वगैरह दिया हुआ है, तो अगर मॉस्किटोज़ वगैरह का प्रॉब्लम है आपके घर में, आप कहीं लेके जा रहे हो ट्रैवलिंग में जहाँ पे मॉस्किटोज़ हैं, तो आपको अलग से नेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही नेट दिया हुआ है, तो आप इसे ईजिली कैरी भी कर सकते हो, एंड इसमें आपको बेबी एकदम सेफ भी रहेगा एंड आराम से आप उसको इसमें सुला सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसके पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस तरीके के बेड्स वगैरह भी आते हैं, क्योंकि मेरे सिस्टर्स वगैरह के टाइम पे हम लोगों ने वो अलग से जो नेट आता था ना, ऐसे ऊपर से उठा के रख दो कहीं पे भी जहाँ पे सुलाया, उस तरीके का नेट यूज़ किया हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा। एक तो आप बहुत लाइट वेट सा है, एकदम लाइट वेट है, आराम से इसको कैरी वगैरह भी कर पाऊँगी मैं, एंड इसमें पूरा सब कुछ सेफ है। ये ईजिली वॉशेबल है, इसे आराम से वॉश किया जा सकता है घर में, तो जब भी आपको ऐसा लगा कि ये गंदा हो रहा है, तो मैं इसे ईजिली आराम से इस तरीके से वॉश कर सकती हूँ। तो ये ना पूरा इस तरीके का, यू कैन सी पूरा कॉटन फैब्रिक में है, तो फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है। आई थिंक इसको मैंने लिया है कुछ 450 के आसपास की रेंज में, आपको कम रेट में भी मिल जाएंगे। तो ये आपको ना लोकल शॉप वगैरह में भी इजीली मिल जाएंगे, बट क्वालिटी डिफर करेगी। जैसे आप अगर थोड़ा ब्रांड में जाओगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, फैब्रिक अच्छा मिलेगा, नेट की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, एंड अगर आप थोड़ा सा लोकली कहीं से जाके खरीदोगे, ये 250, 200, 300 की रेंज में भी अवेलेबल है, बट जैसा उसका प्राइस होगा अकॉर्डिंगली आपको उस तरीके की इसमें क्वालिटी मिल जाएगी। सो ये मुझे बहुत पसंद आया, एंड आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर दिस की कब आए, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों से लाइक करके रखा हुआ था विशलिस्ट में, क्योंकि मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया था। ये एकदम ऐसे वाइब्रेंट से कलर अच्छे लगते हैं, एंड इसके साथ में ना ये छोटा सा ये पिलो भी है। दिस इज़ अगेन दी कॉटन फैब्रिक, इस तरीके का सॉफ्ट सॉफ्ट सा है ये, तो
आप इसको भी यूज़ कर सकते हो उसमें बेबी का हेड रखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। सो दिस इज़ दी मस्ट हैव प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे अगर आप बेबी होने के कुछ टाइम के बाद अपनी मॉम के यहाँ जा रहे हो या मॉम के यहाँ वापस आ रहे हो यहाँ पे, तो आप इस प्रोडक्ट को ना कहीं भी ईजिली कैरी कर सकते हो। कहीं पर किसी के रिलेटिव के घर पर जा रहे हो किसी फंक्शन के लिए, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अरे वहाँ पर मॉस्किटोज होंगी, बेबी को परेशान करेंगे, सुलाएंगे कहाँ, बेड क्लीन है कि नहीं कहीं पर जा रहे हो। तो आप अपना बेड ना सेफली इस तरीके से लेके कैरी कर सकते हो कहीं पे भी। बहुत लाइट वेट है, सूटकेस वगैरह में भी आराम से फिट आ जाने वाला है। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये पहले से ही लेके रख लिया है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ड्राई शीट। सो ये मैंने दो ब्रांड से ऑर्डर की थी क्योंकि मैं चेक करना चाह रही थी कि क्वालिटी कैसी है। सो एक मैंने ऑर्डर की थी लव लैब से एंड द अदर वन आई ऑर्डर्ड फ्रॉम द मीमी ब्रांड। मीमी ब्रांड वाली लव लैब के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉस्टली है। इसमें भी ना बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल थे, सो आई चूज दिस सिंपली ब्लू कलर। तो ये पूरी ये मैंने एल साइज में ली हुई है, 100x140 सेंटीमीटर की है ये, एंड ये काफ़ी बड़ी है। पहले तो आप इसको पास से देख सकते हो, ये बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है। बैक साइड में पूरा इस तरीके का मटेरियल है जिससे कुछ भी अगर बेबीज में सूसू करता है, पॉटी करता है या कुछ भी आपसे गलती से इसमें कुछ गिर जाता है तो ये नीचे से लीक नहीं होगा, आपका बेड ख़राब नहीं होगा। एंड यू कैन सी द साइज, साइज इसका बहुत बड़ा है, तरीके से पूरा ही आप इसे अपने बेड में भी बिछा के ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप इसको ना छोटे छोटे पीसेस में कट वगैरह भी कर सकते हो, जैसे आपने जैसे मैंने अभी आपको जो बेड दिखाया ना उस बेड में इसको आप आराम से लगा सकते हो। ड्राई शीट को आप इस कट करके टुकड़ों में भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपने पूरे बेड पे भी आप इसे लगा सकते हो। क्योंकि मैंने अपने बेड के लिए ऑलरेडी मैट्रेस प्रोटेक्टर ले लिया है, जिसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हुआ था, तो वो मेरे बेड में पूरा लगा हुआ है। तो ये मैं इसे कट करके थोड़ा सा यूज़ करने वाली हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो ये मैंने लिया था मीमी से एंड दिस इज़ फ्रॉम लव लैब। बट मुझे लव लैब का क्वालिटी जो है ना वो मीमी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं है इसमें। ये कुछ इस तरीके का है, दोनों भी कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैंने लाइट ब्लू ही मंगाए थे। ये भी अगेन सेम पूरा सेम वही साइज़ है, लार्ज साइज़ है ये। इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़। स्मॉल साइज़ में इतनी बड़ी बड़ी शीट्स आ रही थी, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं लार्ज ले लेती हूँ, लार्ज को ही मैं कट करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लूँगी। सो ये दिस इज़ दी मस्ट हैव एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर दी बेबी, क्योंकि आप इनिशियली अगर एकदम स्टार्टिंग में बेबी को डायपर नहीं पहनाना चाह रहे हो या पूरा दिन नहीं पहनाना चाह रहे हो तो दिस इज़ दी बेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि अदरवाइज बेबी जो इनिशियली स्टेज पर, और जैसे लाइक मेरा बेबी विंटर में आने वाला है, तो विंटर में बेबी बहुत जल्दी जल्दी सुसु करते हैं, तो उस टाइम पे के लिए दिस इज़ दी बेस्ट शीट। इसमें ये आराम से जो सुसु वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बेबी को बिल्कुल भी गीला नहीं लगने वाला इसमें। तो ये मुझे बहुत सही प्रोडक्ट लगा। तो पहले के टाइम में तो ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, बट आज के टाइम में दीज आर दी थिंग्स विच आर ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर। सो ये मैंने एक परचेज़ किया है बेबी के हिसाब से, मैंने चीज़ें पहले ही लेके रख ली, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कौन इतना दौड़ा भागी करेगा, लास्ट मोमेंट पे कई चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। इसलिए मैं सोचूँ कि जितनी भी जो बेबी की एटलीस्ट जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मैं सारी पहले ही अपने पास लेके रख लूँ, ताकि मुझे लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना लगे कि अरे ये लेना था ये गलती से मिस हो गया। तो ये मैंने ले लिए दो शीट, तो इसमें से एक मैं लव लैब वाली रिटर्न करने वाली हूँ, एंड ये जो मीमी वाली है दैट आई एम गोइंग टू कीप। देन दी थर्ड एसेंशियल प्रोडक्ट इज दिस इज दी वेट वाइप्स। दिस इज़ दी वेट वाइप फ्रॉम दी मदर्स पर्स। दिस इज 99% प्योर वाटर वेट वाइप्स। तो ये इससे आप बेबी का फेस, हैंड एंड बॉडी सब कुछ क्लीन कर सकते हो। स्पेशली मैंने ये लिया हुआ है पॉटी क्लीन करने के लिए। तो बेबी जब भी पॉटी कर देते हैं तो आप उन्हें बार बार ले जाके ठंड के मौसम में वॉश नहीं करा सकते, तो उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। एंड इसमें मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि यहाँ पे इसमें इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे सील पैक दिया हुआ, क्योंकि जनरली जो वेट वाइप आती है ना उनमें इस तरीके से ऐसा स्टिकर लगा होता है, उसको निकाला यूज़ किया पर एक टाइम के बाद ना वो ड्राई होने लगती है, तो ज़रा सा भी इधर उधर से ओपन रह गए। सो दैट्स वाई मैंने ये मुझे अच्छा लगा। एंड आजकल बेबीज प्रोडक्ट में मैंने देखा ये इस तरीके के ही आ रहे हैं, तो इसको आप ओपन करके ढक्कन ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर यूज़ यू कैन क्लोज इट। सो ये अगेन प्योर वाटर में है,
सिस्टर बेबी को कि स्किन पे कुछ भी इरिटेशन वगैरह नहीं होगा, उसको कुछ भी इश्यूज नहीं आएंगे। मैंने ये लिया है मदर्स पर्स ब्रांड का, काफ़ी सारे ब्रांड्स में भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये मुझे इमीडिएटली यूज़ होने वाला है आई नो, क्योंकि उतनी ठंड के मौसम में मैं बार बार बेबी की जो को पॉटी क्लीन करने के लिए उसको बार बार ले जाके वॉश नहीं करा सकती। एक बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है जो मुझे पहले से मैंने लेके रख लिया है बेबी के लिए। सो इसका प्राइस जो है, इसका ओरिजिनल प्राइस 299 है। मैंने इसे फर्स्ट ट्राई से परचेज़ किया हुआ है। इसे मैंने कुछ 199 के प्राइस में परचेज किया ऑफर पीरियड में। इसमें है टोटल 72 वाइप्स हैं इसमें। इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप कहीं और लेके जा रहे हो बेबी को, बेबी ने वहाँ पे पॉटी कर दी किसी और के घर में, फ्रेंड्स के यहाँ गए, रिलेटिव के यहाँ गए, बाहर गए मॉल, आप इससे उसको इजीली क्लीन कर सकते हो। तो आप इसे कहीं पे भी अपने बैग में रख के ईजिली कैरी कर सकते हो। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस इज दी वाटर प्ले मैट फॉर बेबी। ओके, सो ये इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में आया हुआ है। सो ये मैट है, यहाँ पे मैं साइड में उसका पिक्चर अटैच कर रही हूँ, यू गाइस कैन सी कि ये किस तरीके से दिखने वाला है। तो ये इस तरीके का मैट है, इसमें ना इस तरीके से कैरेक्टर्स बने हुए हैं, इसमें फिश है, डॉल्फिन है, टर्टल है, देन ऑक्टोपस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं, जिसमें कुछ यहाँ पे दो तीन फिश अंदर डाल के भी दी गई है। तो इसको ना पहले तो मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ। आई वॉज रियली कन्फ्यूज अबाउट दिस प्रोडक्ट। मैंने जब ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, आई वॉज थिंकिंग कि इस पार्ट में अंदर कुछ जेल जैसा वाटर फिल होके आएगा जो ऑटोमेटिक फिल रहेगा, हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आई वॉज थिंकिंग कि जेल वाटर होगा, वो हमेशा वी कैन यूज इट। तो जब ये डिलीवरी आई ना, इतने छोटे से बॉक्स में पैक होके आई, तो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि मैंने डिलीवरी बॉय को बोला कि यार मैंने तो कोई बड़ा सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। ही वॉज लाइक कि नहीं मैम यही है। उन्होंने नहीं, मैंने कोई बड़ा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, इतने छोटे बॉक्स में कैसे आ गया। वो बोला मैम यही है। फिर मैंने लेने के बाद तुरंत इसे ओपन किया, देन आई केम टू नो कि ओके इस तरीके से पूरा फोल्ड होके आया है। तो इसमें यहाँ पे बैक साइड में वाटर को फिल करने के लिए इस तरीके से नॉब दिया हुआ है, तो आप किसी भी वाटर बॉटल में पानी लेके इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नॉब को इस तरीके से क्लोज कर देना है। यहाँ पे इसमें एक पंप जैसा भी दिया हुआ है, जिसको आपको थोड़ा सा ब्लो करके अपने माउथ से इसको इसमें हवा भर देनी है, ताकि इस तरीके से फूल जाए। तो इसमें जब पानी भर जाता है ना, उसके ऊपर आप बेबी को उल्टा करके से लेटा सकते हो, तो बेबी उसमें आराम से खेलते रहते, क्योंकि उनको ये एकदम कलरफुल दिखता है। इसमें इतनी सारी चीज़ें दिखती है, ये भी पानी में तैरने लगते हैं फिश वगैरह, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। दिस थिंग इज़ 2 in 1। तो इसमें एक तो आपका बेबी आराम से खेल लेता है, एंड दूसरा दिस इज़ दी बेस्ट फॉर दी टमी टाइम। जब आप बेबी को उल्टा करके टमी टाइम देते हो, तो आप इसमें टमी टाइम दे सकते हो आराम से। तो ये 1 month से ऊपर के बेबी के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हो। 1 month से 1 year तक के बेबी को आप इसमें आराम से लेटा सकते हो। बेबीज को इसमें मज़ा भी आता है खेलने में, एंड ये उनका आराम से टमी टाइम भी आप इसमें दे सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पहले टमी टाइम के बारे में मालूम नहीं था। कुछ टाइम पहले ही आई केम टू नो कि बेबी को टमी टाइम देना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। 1 month से आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हो। तो ये मैंने लिया है बेबी को टमी टाइम देने के लिए, साथ ही थोड़ा सा उसे इन्वॉल्व रखने के लिए, कि वो उसे देख के खुश होता रहे, उसको भी अच्छा लगे। तो दिस इज अगेन दी थिंग। ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये ऐसे ही है कुछ लोकल ब्रांड से। इसको मैंने लिया है 211 rupees में। सो गाइस दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। ये थे कुछ बेबी के एसेंशियल प्रोडक्ट जो मैंने ऑलरेडी लेके रख लिए हुए हैं। पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ में कुछ और प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें जो बेबी के लिए मस्ट हैव चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं मैंने फर्स्ट प्राइस से ही परचेज किए हुए हैं। इफ़ यू गाइस वॉन्ट आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक फॉर दीज प्रोडक्ट। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब आप बेबी के लिए कुछ चीज़ें ले रहे हो इनिशियल स्टेज में, तो गो फॉर दी ब्रांडेड वन, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत डेलिकेट होते हैं वो, जस्ट इस वर्ल्ड में आए होते हैं। तो आई वुड से कि थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रख के उनके लिए ब्रांडेड चीज़ें ही प्रेफर करो, लोकल चीज़ें यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है। तो चलो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। सो विल सून मीट यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, सी यू सून।